नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बरेली के एथलेटिक इंटरनेशनल मूक बधिर खिलाड़ी मेहताब हुसैन भारत के लिए गोल्ड और सिल्वर पदक जीतने के बाद भी मजदूर बनकर रह गया। मूक बधिर एथलेटिक खिलाड़ी मेहताब हुसैन ने देश के लिए विदेश में भारत का परचम लहराकर देश और बरेली का मान बढ़ाया था। भारत के सभी राज्यों में नेशनल खेलने के बाद 2002 में मेहताब हुसैन ने एथलेटिक खेल जगत की दुनिया में भारत के विभिन्न राज्यों सहित चीन के ताइवान में 6 एशिया पैसिफिक गेम ऑफ डीफ गेम खेला था। अच्छा प्रदर्शन कर भारत का परचम लहराया था। उसके भाई चंगेज खान ने बताया, मेहताब हुसैन की दुर्दशा के बारे में बरेली के सांसद, जिलाधिकारी सहित कई बार सर्किट हाउस में आए भारत सरकार के मंत्री, खेल मंत्री को भी अवगत कराकर कुछ सहायता हेतु मांग की गई थी। बरेली की फ्रोजन मीट फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी में 6,000 रुपये महीना कमाता है। चंगेज खान ने बताया, मेहताब हुसैन ने अपने खेल करियर में भारत के लिए 20 गोल्ड पदक 22 सिल्वर जीते थे। बरेली से कमर बेग की रिपोर्ट। मेहताब हुसैन नाम बता रहे हैं अपना ये। अच्छा, कहाँ खेलने गए थे, क्या मेडल आया था? ताइपे गए थे, चाइना ये, और वहाँ पे इन्हें 3rd पोजीशन मिली थी। मौसम की कुछ करवट ली थी, उसकी वजह से इनके पैर में गिट्टी आ गई थी, इसलिए ये 3rd प्लेस पर पहुँचे। सरकार से कोई आपको मदद मिली है? क्या कह रहे हैं? इनका कहना यह है, सरकार को मैंने बहुत अनुरोध करा, बहुत लेटर लिखे, सब कुछ करा, एक राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक, अधिकारी गण सबसे, मगर आज तक मुझे सरकार से कोई मदद नहीं मिली, किसी तरह की जॉब नहीं मिली, किसी तरह कोई इमदाद नहीं मिली मुझे। आप सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे? इन्हें कहना, अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली, मगर सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ इस तरह की जॉब दे दी जाए, चाहे सरकारी संस्था में या असरकारी या प्राइवेट सेक्टर में, ताकि मैं 2 जून की रोटी जुटाना, जो मुझे मुसीबत का सबब बन चुका है, उसको मैं अमली जामा बना सकूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जो इस टाइम फैला हुआ है, उसको मैं बड़ी संजीदगी से ले रहा हूँ। माननीय PM की जो अपील है, उसको भी संजीदगी लेते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं 300 रुपीज़ 300 रुपये की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करना चाहता हूँ, ताकि लोग इस कोरोना वायरस की भव्यता को समझें, इनकी भयंकर को समझें और अपने घरों में रहें, सेफ रहें। और कुछ सुंदर दिन चाहिए जनता के लिए? इनका कहना यह है कि जो भी इस टाइम जनता के लिए संदेश या अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि आप लोग इस टाइम जो विषम स्थितियों से देश गुजर रहा है कोरोना वायरस को लेकर, जिसने पूरे वर्ल्ड में एक भयानक तस्वीर उत्पन्न कर चुका है, आपके देश में भी आमद दर्ज कर चुका है वो, तो ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, ताकि आने वाली नस्लें जीवित रह सकें, स्वस्थ रह सकें, स्वच्छ रह सकें।